वेलकम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब ने देख लिया होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा एपिसोड 23 का ट्रेलर आ चुका है। तो आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में अपनी अजीम राय बताना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब ने देख लिया होगा कि मलक मबदूद को जो है वो उसकी माँ बचा लेती है। तो यहाँ पर मुझे भाई एक भी बात समझ नहीं आ रही कि कभी भी किसी की एंट्री करवा दी जाती है। जैसा कि जबकि नूरुद्दीन जंगी ने अपने भाई को मारा था, यानी कि नसरुद्दीन को जब कमान के ज़रिए मारा था, तो उसके बाद फौरन ही मलक मबदूद आ गया। उसका एक नया भाई पता नहीं कहाँ से नमोदार होकर आ गया था, जिसका नूरुद्दीन जंगी ने हमें पहली एपिसोड में नहीं जिक्र किया था। यानी कि हमने इतनी एपिसोड देख ली थी, कहीं भी नूरुद्दीन ये नहीं कहता कि मेरा एक भाई भी है जो बाहर रहता है, लेकिन उसका एक भाई भी आ गया। अब जब वो उसको मार रहे थे तो उसकी माँ ने आके बचा लिया, जबकि नूरुद्दीन जंगी ने पहली एपिसोड में कहीं भी जिक्र नहीं किया था कि मेरी एक बूढ़ी माँ भी है जो बाहर रहती है। लेकिन क्या आप जब कोई अहम किरदार और मर रहा होगा तो क्या नूरुद्दीन जंगी का वालिद साहब भी आ जाएगा उसे बचाने के लिए? तो मुझे ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी अजीम राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।